प्रदीप बंसल है। मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूं। मैं 14 तारीख को अपनी प्रचार वाहक से, जिस पे मैंने दो झंडे लगा रखे हैं, एक राष्ट्रीय झंडा है और एक मेरे बीजेपी का झंडा है, उस प्रचार वाहक से मैं अपने जिलाध्यक्ष चौधरी तेजवीर सिंह से मिलने उनके निवास स्थान पर जा रहा था। कृष्ण मंडी चौराहे पर जैसे ही मैंने पहुंचा, वहां पे कृष्णा नगर चौकी प्रभारी हृदय कुमार मिश्रा वो खड़े हुए थे। उन्होंने मेरी मोटरसाइकिल को रोक लिया और मुझसे बोले कि इसकी अनुमति दिखाओ। मैंने, सर मेरे पास इसकी अनुमति नहीं है। तो बोलते हैं कि तुम्हें पता नहीं है आचार संहिता लगी हुई है। मैंने कहा, सर ये तो आचार संहिता तो अब खत्म हो चुकी है, या यहाँ पे अब तो वोट डल चुके हैं, इस तरह से झंडे लेने के चलने में कोई परेशानी नहीं है। तो इस पर उसने मेरे को माँ बहन की गालियाँ दी, असली गालियाँ दी, और बोला बड़ा नेता बना फिरता है, तेरी नेतागिरी अभी देखते हैं, हमको कानून सिखा रहा है। और उन्होंने मेरे को कई डंडे वंडे मारे वहाँ पे चौराहे पे, मुझको घसीटते हुए जीप तक ले गए, जीप में डाल के कृष्ण नगर चौकी ले गए। वहाँ पे उन्होंने गेट पे मारा मेरे को, फिर हवालात में कर दिया, फिर हवालात में से निकाल के फिर उन्होंने मेरे को वहाँ पे मारा। और मोदी जी के लिए, मेरे लिए, भाजपा के लिए बड़े बड़े मतलब जो अश्लील बातें हैं जो है और कर रहा था, माँ बहन की गालियाँ दे रहा था। फिर उसने मेरे को 151 में चालान करके जेल भेज दिया।